इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान मुंबई में है, लेकिन उनके लिए लखनऊ से बुरी खबर आई है। दरअसल गौरी को लेकर एक चौंका देने वाली खबर है। मामला धोखाधड़ी से जुड़ा है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कैसे ये बढ़ा सकती है गौरी खान की मुसीबत। यूं तो खान परिवार का विवादों से नाता पुराना है। कभी पठान खुद बायकॉट गैंग का शिकार हो जाते हैं, तो कभी उनके बेटे के जेल जाने की खबर मीडिया की सुर्खियां बन जाती है, और कभी उनकी बेटी सुहाना टोलर्स का शिकार हो जाती है। लेकिन इस बार विवादों से दूर रहने वाली शाहरुख खान की पत्नी गौरी हेडलाइंस में है। दरअसल शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में FIR दर्ज हुई है। गौरी के खिलाफ IPC की धारा 409 के तहत केस दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गौरी के खिलाफ शिकायत करने वाले शख्स का नाम जसवंत शाह है, जो मुंबई के ही रहने वाले हैं। उनका दावा है कि जिस कंपनी की गौरी खान ब्रांड एम्बेसडर है, वो कंपनी 86 लाख रुपए लेने के बावजूद फ्लैट नहीं सौंप रहे और उनका फ्लैट किसी और को दे दिया गया है। गौरी खान के अलावा तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एवं डेवलपर्स लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार तुलसियानी और डायरेक्टर महेश तुलसियानी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। जसवंत शाह का कहना है कि उसने ब्रांड एम्बेसडर गौरी खान से प्रभावित होकर फ्लैट खरीदा था। शाह का कहना है कि वो 2016 से परेशान है और उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिल पाया है। बताते चले ये पहला मामला नहीं है जब कोई सेलिब्रिटी ऐसे कानूनी पचड़े में फंसा। इसी तरह भारतीय क्रिकेटर और कप्तान MS धोनी और टेनिस स्टार मारिया शारापोवा भी फंस चुके हैं। हालांकि इस मामले को लेकर गौरी खान या उनकी टीम की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर गौरी एंड टीम का क्या स्टेप होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या एक्शन लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।